जी अपना परिचय दे दें। मैं अर्जुन कुमार पांडे, वार्ड नंबर 54 नरिया। जी पांडे जी, अगर बात की जाए तो आगामी जो चुनाव होने वाले हैं नगर निगम के, उसमें हम लोगों को ये देखने में आ रहा है कि प्रशासन की तरफ से जो कर्मचारी हैं और जो क्षेत्र के लोग हैं, इनमें कहीं ना कहीं एक विरोधाभास आ रहा है। तो क्या लगता है कि वर्तमान में जो बनारस का प्रशासन है वो क्षेत्र के विकास के लिए ध्यान दे रहा है? देखिए, एक चीज जानिए, अधिकारी और कर्मचारियों की कोई गलती नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ द्वेष की भावना है, आपसी रंजिश है। जैसे कि मान लीजिए मैं ही हूँ, तो यहाँ मैं एक तरह से अपने क्षेत्र में एक्टिव हूँ, अपने प्रतिद्वंद्वी के विपक्ष में, तो मेरे प्रतिद्वंद्वी क्या करते हैं, मेरे कार्यों को रोकते हैं और कर्मचारियों को मना करते हैं कि उसका कार्य न किया करो। इसकी वजह से काम डिले होता है और हमारी सम्मानित जनता को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या लगता है आपको कि इसका रास्ता कहां से आएगा? रास्ता आएगा, थोड़ा संघर्ष हमें करना पड़ेगा, पब्लिक को जगाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, कोई भी कर्मचारी है चाहे अधिकारी है, वो सरकारी पैसा ले रहा है और सरकारी पैसा हमारे ही जनता दे रही है, जनता से टैक्स वसूल कर ही उनकी तनख्वाह दी जाती है। इसलिए मैं जनता से भी एक चीज अपील हमेशा बार बार करता हूँ, आज भी एक चीज कर रहा हूँ मीडिया के द्वारा, कि आप किसी भी कर्मचारी को और किसी भी अधिकारी को कहीं भी किसी वक्त रोक सकते हैं, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश सरकार और सेंट्रल सरकार का एकदम आदेश है, कोई भी काम आप बेहिचक उनसे कराने के लिए तत्पर रहे, उसके लिए आपके साथ हम लोग खड़े हैं दिन रात। न करे कोई स्टाफ, हम लोगों को सूचना दीजिए, मौके पर तत्काल पहुंचकर हम लोग उसकी पूरी कार्रवाई करेंगे। वर्तमान के जो पार्षद हैं आपके क्षेत्र में, उनका रवैया आप लोगों के प्रति? उन्होंने सिर्फ देखिए, आज तक जनता के लिए जहां भी जो किया हो मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए कार्य करते हैं इस क्षेत्र में, अपनी पहचान बनाने के लिए। उनको ये नहीं मतलब है कि पब्लिक प्रधान, क्यों कि अगर विपक्ष भी कोई काम करा रहा है कहीं पर, तो आप वर्तमान पार्षद हैं, आपको पूरा अधिकार है वहां खड़ा होने का। आप जाकर ये पूछ सकते हैं कि मेरे क्षेत्र में क्या काम हो रहा है। वो बस सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, कोई काम करने आया, जैसे सड़क कोई बनाने आया उसको रोक देंगे, कोई गैस पाइपलाइन डालने आया उसको रोक देंगे, कोई कुछ करने आया उसको, काम को सिर्फ वो रोकते हैं और कुछ करते नहीं। महोदय जी, अगर बात की जाए तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार तमाम विकास के दावे बताती है, तो क्या लगता है कि जो विकास के दावे हैं उस पे वो लोग हैं खरे उतर रहे हैं? मैं भाजपा पे भी देखिए सीधा उंगली उठाऊंगा, एकदम इसलिए उठाऊंगा भारतीय जनता पार्टी पे। और मैं एक चीज और बता दूं, मैं यहाँ से पार्षद का चुनाव लड़ रहा हूँ, इसलिए मैं बड़े नेताओं को बोल नहीं सकता, क्योंकि मेरी जितनी क्षमता और जो जिस पद के लिए लड़ रहा हूँ मैं उस पद पे लड़ूंगा, न कि मैं गवाता की बात करूंगा, विधायक सांसद मंत्री। क्यों कहता हूँ कि आप अपना जनता प्रतिनिधि सभी वार्डों को, 100 वार्ड को, मैं सिर्फ वार्ड नंबर 54 नरिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सभी वार्डों की बात कर रहा हूं, कि इस बार आप कुछ ऐसा नया करिएगा और कुछ ऐसे नए युवाओं को चुनिएगा जो दिन रात 24 घंटे आपके लिए लगकर काम करे, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, चाहे निर्दल हो। मोदी जी, अगर बात की जाए तो वर्तमान में कोरोना का असर और कोरोना की गाइडलाइंस आ गई है, तो क्या कहना चाहते हैं? हम लोग तो कोरोना पे जब से पहली बार 22 मार्च में जनता कर्फ्यू लगा था, तब से हम लोग घर से बाहर थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। जिस दिन कोरोना का हम लोगों को लगेगा कि कुछ ज्यादा प्रकोप हो रहा है अपने क्षेत्र में, हम लोग तुरंत सैनिटाइजर सारी चीजों की व्यवस्था करना शुरू कर देते हैं। आपने स्टेट मीडिया को समय